यह कोई सीक्रेट नहीं कि बुलेट ट्रेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जहां भारत में इंडियन रेलवे को लाइफलाइन माना जाता है और रोजाना इंडिया में 24 मिलियन पैसेंजर ट्रेन से सफर करते हैं। और इसी ट्रेन बेस को मजबूत करने के लिए और कम्पेटिटिवली फास्ट ट्रेवलिंग के लिए इंडिया ला रही है बहुत सारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस, RRTS और बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें शामिल है। जापान, चाइना और रशिया जैसे कई देशों की तरह इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का डिस्कशन जोरों शोरों से चल रहा है और अन्य देशों से ताल मिलाने के लिए इंडिया ने प्रस्ताव रखा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। लेकिन क्या यह सपना नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा गया था या कोई और है जो इस कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा था? तो वेल दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, इसके रूट्स, इसके प्रेजेंट स्टेटस और इंडिया में सेमी हाई स्पीड रेलवे के फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MAHSR और मुंबई अहमदाबाद HSR एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड रेल लाइन है जो इंडिया के इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिटी मुंबई को कनेक्ट करेगा गुजरात के शहर अहमदाबाद से, और इसके बनने के बाद यह भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होगा। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर 5 और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ 2009-10 में रेलवे बजट में फिजिबिलिटी स्टडी के लिए पेश किया गया। इस प्रोजेक्ट को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, तथा इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया विजन 2020। 2009-10 के रेलवे बजट के अनुसार इसे पुणे से अहमदाबाद तक बनाया जाना था, लेकिन मुंबई पुणे के बीच आने वाले घाट सेक्शन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण रेलवे ने मुंबई पुणे सेक्शन को ड्रॉप करने का डिसीजन लिया। वहीं 2013 में इंडिया और जापान ने मुंबई अहमदाबाद रूट का ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एक MOU साइन किया। जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी JICA ने ट्रैफिक रिलेटेड एस्पेक्ट में काम किया। वहीं SNCF ने बिजनेस प्रोजेक्शन में लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट चैलेंज और टनल और ब्रिजेस का निर्माण जैसे पहलुओं से संबंधित अध्ययन किया। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा और इंडियन रेलवे ने यह आश्वासन दिया कि 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं स्लो वर्क प्रोग्रेस के कारण यह डेडलाइन को एक्सटेंड करके 2023 किया गया। अब भारत के रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि 2026 तक फर्स्ट बुलेट ट्रेन सूरत से बिलीमोरा के बीच चल सकता है। मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर लंबा रूट को यह बुलेट ट्रेन मात्र 3 घंटे में पूरा करेगी। इंडियन रेलवे ने 2 तरह के सर्विस प्रपोज की है, एक रैपिड ट्रेन या एक्सप्रेस सर्विस और दूसरा स्लोअर सर्विस। रैपिड सर्विस में ट्रेन मात्र 2 स्टेशनों में रुकेगी और इस सफर को तय करने में लगेंगे 2 घंटे 7 मिनट। वहीं स्लोअर सर्विस में यह ट्रेन सभी स्टेशनों में रुकेगी, जिसे इस सफर को तय करने में लगेंगे 2 घंटे 58 मिनट यानी 3 घंटे। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बनने तथा रखरखाव का जिम्मा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRLC को दिया गया है। NHSRLC ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 11,000 करोड़ रुपए के 24 बुलेट ट्रेन आपूर्ति के लिए रोलिंग स्टॉक टेंडर जारी की है, जिसमें 10 कोचेज होंगी और इसमें 690 यात्री बैठकर सफर कर सकते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह 2027 तक इंडिया में आ सकती है, ताकि 2027 से गुजरात और वापी के बीच इसे ऑपरेट किया जा सके। जापान की E5 सिंकानसन टेक्निक के आधार पर विकसित किए जाने वाले 24 हाई स्पीड ट्रेन सेट की कीमत 11,000 करोड़ रुपए होगी, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इसे इंडियन कंडीशन के रूप में मॉडिफाइड किया जाएगा, जो इंडियन कंडीशन जैसे हार्श हॉट वेदर और ओमनीप्रेजेंट डस्ट जैसे परिस्थितियों को झेल सके। इस रूट में वन वे डायरेक्शन में प्रतिदिन 35 ट्रेन चलेगी। वहीं पीक आवर्स में इसकी फ्रीक्वेंसी 3 ट्रेन प्रति घंटा होंगी। वहीं ऑफ पीक आवर्स में 1 घंटे में 2 ट्रेनें चलेंगी। सितंबर 2019 में NHSRCL ने कहा है कि इस कॉरिडोर का एंड टू एंड मैक्सिमम फेयर 3,000 रुपीज होगा, वहीं मिनिमम फेयर 2,050 रुपए होंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का टोटल लेंथ 508 किलोमीटर है, जो BKC मुंबई से शुरू होगी और गुजरात के साबरमती तक जाएगी। इस बीच ट्रेन 12 स्टेशनों में रुकेगी। यह स्टेशन है मुंबई, थाने, विरार, वोइसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। इसमें 4 स्टेशन महाराष्ट्र में और 8 गुजरात में होंगे। यह महाराष्ट्र में 155.76 किलोमीटर, यूनियन टेरिटरी दादर और नगर हवेली में 4.3 किलोमीटर और गुजरात में 348.02 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी।
गाइस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में पिछले 5 सालों में काम चल रहा है, लेकिन काम का रफ्तार काफी धीमा है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम गुजरात में चल रहा है। टोटल 508 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में नियरली 349 किलोमीटर गुजरात में है और बाकी 159 किलोमीटर का हिस्सा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम की वजह से प्रोजेक्ट वर्क में डिले देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यूज, 305.9 किलोमीटर पाइल वर्क, 251.2 किलोमीटर फाउंडेशन, 208.9 किलोमीटर पायर्स वर्क, 76 किलोमीटर वाइडेड कंप्लीट हो चुका है। 2015 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 108,000 करोड़ था और प्रोजेक्ट में अभी तक 38,506 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। प्रोजेक्ट में देरी और येन की कीमत में फ्लक्चुएशन के कारण प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट 2,00,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फरवरी 2023 में पार नदी पर पहला ब्रिज का काम पूरा हुआ है। फ्यूचर में इसे एक्सटेंड करके अहमदाबाद से दिल्ली तक ले जाया जाएगा। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो 886 किलोमीटर लंबा होगा, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरेगी। दिल्ली हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलकर बन जाएंगे दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। तो इतना बोल के मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ। आपको कितना एक्साइटमेंट है बुलेट ट्रेन के बारे में यह कमेंट में जरूर लिखे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।